प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में राज्य के लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया जाए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खराब पड़े चापा नलों की मरम्मत मिशन मोड में शुरू कराया जाए, साथ ही अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजनाओं का समय से निर्माण पूर्ण हो सके, इसके लिए संवेदकों के साथ सामंजस्य स्थापित कर त्वरित गति से काम सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी को निर्देश दिया कि गर्मी में पूरे राज्य में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अभियंताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि गर्मी के दिनों में राज्य के किसी भी भाग में पानी की किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई शिकायत किसी भी माध्यम से मुझे मिलती है तो इसके लिए संबंधित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता जिम्मेदार होंगे एवं दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गर्मी में पानी की किल्लत दूर करने का निर्देश दिया। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।